संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा कर रहे हैं हमारी वीडियो आपको थोड़ी बहुत लाभ अवश्य पहुंचा रही होंगी। किसी विषय से संबंधित हम आपको आश्वासन नहीं देते कि आपको हम नेट की तैयारी करा रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी करा रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन हमारा जो वीडियो लगातार हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यूजीसी नेट में जो सिलेबस दे रखा है, पाठ्यक्रम दे रखा है, हम उसी की पाठ्यक्रम को लेकर के वीडियो अनवरत बनाते चले जा रहे हैं और उसी से संबंधित हम लाइव भी देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम आपको आश्वासन नहीं दे सकते कि हम आपको नेट या जीआरएफ की पूर्ण रूप से तैयारी करा देंगे, क्योंकि हमारे पास समय का बहुत अभाव है। जितनी भी हमसे बन पड़ती है, जितनी भी हमारी कोशिश हो पाती है, हम उतना आपको देने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार देते रहेंगे। इसमें मैं एक बार चर्चा भी कर चुका हूँ, एक मित्र है हमारा, उन्होंने पूछा था कि आपकी जो वीडियो होती हैं लाइव कभी भी, तो कैसे पैसे से युक्त होती हैं, फ्री हैं? तो मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, हमारी जितनी वीडियो रहेंगी इस चैनल पर आजीवन, आजीवन से तत्पर जब तक हमारे में सामर्थ्य है तब तक बनाते रहेंगे। तो लाइव हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, किसी भी प्रकार की हो, वो सब फ्री रहेंगी हमेशा से, हमेशा के लिए। आज हम सांख्यकारिका के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्योंकि सांख्यकारिका को बहुत समय हो गया है। हमने व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के बारे में जाना था। व्यक्त अव्यक्त जो होता है वो त्रिगुणात्मक होता है, अव्यक्त जो पुरुष जो होता है वो त्रिगुणात्मक से भिन्न होता है। अब त्रिगुणात्मक तो जान लिया था, लेकिन त्रिगुणात्मक जो होते हैं, तीन गुण जो होते हैं, सत्व, रजस, तमस, इनका कार्य क्या होता है, इनकी पहचान क्या होती है, इनके लक्षण क्या हैं, ये बहुत सारी बातें दिमाग में बैठती नहीं पाती। और ये प्रकृति में जो कार्य करते हैं वो किस प्रकार से लागू करते हैं इस कार्य को, उसको समझाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसमें पूरा अपना जो कुछ है अंदर से, जो कुछ भी है ईश्वर द्वारा प्रदत्त मेरे अंदर, मैं उसको पूरा का पूरा देने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए मेरे वीडियो थोड़े से हो सकता है आपको उबाऊ लगते हों, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ छोड़ने का प्रयास नहीं करता, पूरा लेता हूँ। तो आज हम सांख्यकारिका का अध्ययन करेंगे और मान के चलिए आज मैं इसमें से एक भी प्रश्न आपका कभी भी किसी भी प्रकार से 50 तरीके से क्यों, 1000 तरीके से क्यों ना पूछ ले, लेकिन बाहर नहीं जा सकता। एक बार समझ लिया आपने, फिर सांख्यकारिका, ठीक है? सांख्यकारिका में हम जो गुण हैं, सत्व, रज और तम, इनको सत्व, रजस, तमस भी बोला जाता है, इसके बारे में इनके कार्य, लक्षण एवं कार्यों को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? एक एक कार्य का लेंगे और दो कारिकाओं को मैं समझाऊंगा। दोनों कारिकाओं में इनकी विधियों को समझाया गया है। अन्य कार्य मैंने बताया कि जिससे संबंधित जितनी कारिकाएं होती हैं मैं पूरा लेने का प्रयास करता हूं और आपके पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो पहली कारिका में इन्होंने बताया है इसके कार्य और लक्षण के, लक्षणों के बारे में। प्रीत्य, प्रीति विषादात्मका, प्रीति प्रीति विषादात्मक, प्रकाश, प्रवृत्ति, नियमार्था, ठीक है? अगला बोला है इन्होंने अन्योन्य विभव, आश्रय, जनन, मिथुन, वृत्तयश्च गुणा, ठीक है? ये पूरा डिटेल में दिया है। अब थोड़ा सा इसको जान लेंगे, उसके बाद हम पूरी चर्चा में जाएंगे। प्रीत्य, प्रीति
विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ। एक बार समझ लेना, उसके बाद में बिल्कुल समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट अवश्य करना। यहाँ जो गुण हैं इनको लिख लेते हैं हम, सत्व रज और तम, ये तीन गुण हैं। पहले ही इन तीन गुणों की चर्चा कर दी है इन्होंने, बोला है कि प्रीति यानी कि प्रीति अप्रीति और विषाद, ठीक है ना। आत्मक बाद में लगा दी है, प्रीत्यात्मक अप्रीत्यात्मक विषादात्मक, अपने आप से प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो सत्वगुण जो है वो प्रीति रूप है। प्रीति रूप किसे कहते हैं? सुख रूप। अप्रीति का मतलब क्या होता है? दुख रूप। और विषाद का मतलब क्या होता है? मोह रूप। अर्थात सत्व गुण, तमस गुण और रजस गुण जो हैं, वो सत्व जो होता है वो सुख रूप होता है। यदि किसी व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है तो वो अपना मानसिक व्यवस्था जो है उसका सुख पूर्वक व्यतीत होता है। इसीलिए साधु सन्यासी या जो अपने आप से संतुष्ट रहते हैं उनको सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति को माना जाता है। सज्जन प्रकृति जो होती है लोग, उनको सात्विक प्रवृत्ति युक्त माना जाता है। अर्थात वो अपने आप से ही संतुष्ट रहते हैं, सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। तो सत्व का गुण है सुखरूप। रज जो होता है, रज बहुत चलायमान होता है, जिसका मन चंचल होता है, चितवन होता है, इधर उधर भागने वाला होता है, वो व्यक्ति दुखी रहता है। बहुशाखा बुद्धि विनश्यति, इस तरह से गीता में बोला गया, जिसकी बुद्धि जो है, चित्तवृत्ति जो है, चलायमान रहते हैं इधर उधर, उसकी शाखाएं अनेक होती हैं, विचार करते रहते हैं, वो दुख ही उठाते हैं। अर्थात जिन, और वो कौन करता है? वो रज प्रकृति युक्त जो गुण होता है वो करता है। तो रज गुण जिसके अंदर ज्यादा होंगे वो दुख रूप जीवन यापन करेगा, या दुख रूप इसका स्वभाव है। तम मोह रूप होता है, अर्थात तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति मोहात्मक प्रवृत्ति का होता है, मोह में पड़ा रहता है, आलस्य में पड़ा रहता है, दुख में पड़ा रहता है, लेकिन उसको दुख महसूस नहीं होता। इस तरह से ये प्रीत्य प्रीति विषादात्मक, इतनी सी बात का वो है व्याख्या है। ये तीनों गुण हैं, तीनों गुण के बारे में ये इनके लक्षण बता दिए हैं उन्होंने। अच्छा, उसके बाद में और थोड़े से और आगे बढ़े हैं, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ का। अर्थात सत्व गुण जो है वो प्रकाश रूप प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला, प्रकाशित करने वाला कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसके अर्थ को प्रकाशित करने वाला। अगला है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज में प्रवृत्त होना और कराना। प्रवृत्ति शब्द यहां दो रूपों में प्रयुक्त की गई है। तो सत्व जो होता है गुण, वो प्रकाश होता है, प्रकाशवान होता है, किसी चीज को प्रकाशित करता है। रजस युक्त जो होता है वो अपने आप को तो कार्य में लगाता ही है, लेकिन जो दोनों तत्व जो बचे, जो गुण जो बचे, उनको भी वो कार्य में प्रवृत्त करता है, लगाता है। तो ये प्रवृत्ति युक्त है। तम क्या है? नियमार्थक है। ये तत्वों का नियमन करता है, नियमन करता है। मतलब प्रकाश और प्रवृत्ति यानी सत्वगुण जब प्रकाशित करता है किसी वस्तु को या अर्थ को, तो उसके प्रकाश में करने में भी नियम करता है, इसको नियंत्रित करता है। ऐसे ही किसी कार्य में प्रवृत्त होने में, लगने में, संलग्न होने में जो क्रियाएं होती हैं मनुष्य इसकी रज की, उसके लिए भी नियंत्रित करता है तम। तो ये इसके एक तरह से कार ही हैं या गुण है, आप जो मानना चाहें उसको मान सकते हैं। प्रकाश करना ये कार ही के अंतर्गत आता है या गुण के अंतर्गत आता है, आप जैसा चाहें उसको मान सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अगली पंक्ति पर, अन्य अन्य अभाव्य अन्य अन्य।
ये अन्य अन्य तो सभी में चलेगा, आविभव, आश्रय, जनन, मिथुन, ये तीन चीज अलग हैं। आविभव दूसरा है, आश्रय तीसरा है, जनन और चौथा है मिथुन। ठीक है, अविभव का मतलब क्या होता है? अविभव का यहां तात्पर्य मतलब होता है अविभूत, अविभूत करना। अन्योन्य अविभव, आश्रय, जनन, मिथुन, वृत्तेश्च गुणा। वृत्ति मतलब क्रिया, व्यापार, इनके जो गुण हैं, अब ऊपर तो हमने जान लिए थे इनके लक्षण और इनके प्रयोजन, किस क्या प्रयोजन है, इनका क्या लक्षण है, ये बता रहा है वृत्तेश्च, यानी कि इनके कार्य, इनके व्यापार। तो अविभव अन्योन्य का मतलब होता है एक दूसरा, एक दूसरे को, यानी कि जो तीन हैं तीनों एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। तो यहां याद रखना है एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो कुछ करेंगे वो यहां पूरी चारों चीजें करेंगे एक साथ। एक दूसरे के साथ अभिभूत होते हैं, एक दूसरे का आश्रय युक्त होते हैं, एक दूसरे से जनन क्रिया करते हैं, एक दूसरे के मिथुन मिथुन भी होते हैं। अब यहां समझते चलें, अभिभूत करना, अभिभूत का मतलब होता है दबाना या निर्बल करना। ठीक है, तो एक दूसरे के यानी सत्व रजस तमस, ये प्रकृति। अब यहां पर आपको समझ में आ जाएगी हर पुरुष की क्या प्रवृत्ति होती है। हर पुरुष की प्रवृत्ति होती है कि वो किसी दूसरे पर अधिकार करे। इसलिए दुनिया में सारे राजतंत्र चले, फिर राजतंत्र में जब लगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें पूर्ण रूप से एक स्थिर अवस्था में नहीं रह पाता, तो उसके बाद फिर लोकतंत्र की व्यवस्था चल गई। अब लोकतंत्र जो था राजतंत्र की अपेक्षा बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यहां एक राजतंत्र में तो एक व्यक्ति को या राजा को मार देते तो वहां पूरा राज बिखर जाता, अन्य कोई व्यक्ति उस पर बैठ जाता। लेकिन आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक व्यक्ति को मारने से, मान लीजिए कोई उच्च पद पर है, विधायक है, सांसद है, यदि उसको मार भी दिया जाए तो भी उसके वंश को या उसकी व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो कुछ पावरफुल जो लोग थे, माइंडेड जो लोग थे, उन्होंने राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र की व्यवस्था दी, ये मेरा अपना मानना है, और वो बहुत शक्तिशाली व्यवस्था हो गई। तो ये इन्हीं के कारण होता है कि एक दूसरे को, किसी को दबाने की प्रक्रिया जो शुरू कर दी जाए, यानी कि लोगों के द्वारा वोटित होकर, उनके विचारित होकर के कि मैं तुम्हारे संरक्षण करूंगा, और उन्हीं को फिर दबाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। तो ये एक दूसरे की प्रक्रिया है अभिभूत करना। लेकिन कुछ प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं जो दबे ही रहते हैं, उनको दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। उसमें पूरा भारत हमारा इसी काम में सबसे आगे रहा है दुनिया में, जन कितने लोग आए कितने चले गए, यूनानी आए, फ्रेंच आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, ना जाने कितने आए, हूण आए, सभी ने आक्रमण किया, सभी ने इस देश के लोगों को गुलाम बनाया, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है नीचे दबके रहना। तो यहां पर दोनों की बात करी जा रही है, यानी कि एक दूसरे को निर्बल करना भी है, और जो निर्बल कर देता है, कुछ प्रवृत्ति ऐसी होती है कि निर्बल होने को ही राजी होती है। तो यही व्यवस्था ऐसी है, कभी सत्व को रजस निर्बल करता है, कभी रजस सत्व को निर्बल कर देता है, कभी तमस निर्बल कर देता है रजस और सत्व को, एक दूसरे को दबा लेते हैं। दबाने की जो प्रवृत्ति है वही अभिभूत करना। तो ये इसका ये कार्य है, प्रयोजन है, ये मतलब व्यापार है इसका, इन तीनों का। ये अभिभूत समझ में आ गया होगा। आश्रय का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से ये आश्रित भी होते हैं। अगर इन दोनों में तीनों में से किसी एक को हटा दिया तो खत्म हो जाएगा, फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा, फिर ये कार्य, इनके क्रियाएं पूर्ण रूप से हो ही नहीं पाएंगी। इसलिए एक दूसरे पर ये आश्रित भी रहते हैं, ठीक है ना, आश्रित रहना। जनन का मतलब होता है परिणाम या परिवर्तन, ही मान के चलिए, मॉडिफिकेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये जो होता है
इन दोनों में एक दो तीन चार, चार जो व्यवस्थाएं दे रखी हैं, क्रिया दे रखी हैं, ये केवल प्रलय अवस्था में होती है। ये प्रलय अवस्था में या प्रतिसर्ग के सर्ग प्रतिसर्ग होती है ना, तो प्रतिसर्ग की अवस्था में ही होता है परिणाम जनन। अब होता क्या है, जैसे सत्व है, सत्व प्रकाशवान है हम जानते हैं, उसके बाद में रजस प्रवृत्ति युक्त है, प्रवृत्त कर रहे हैं, इसका कार्य है, और तम नियमार्थ के नियंत्रित करना है। लेकिन जैसे ही ये पीछे जाएंगे अर्थात प्रलय अवस्था में जाएंगे, तो सत्व जब प्रकाश को अपने आप में समेटेगा या बंद करेगा प्रकाशित करना, तो वो प्रवृत्ति और नियमार्थक दोनों के यानी कि तमस और रजस के जो गुण हैं या इनके मानिए प्रयोजन हैं या जो कार्य हैं, उनको भी वो अपने से जनन करेगा अर्थात उनमें भी परिवर्तन करेगा, उनमें भी परिवर्तित हो जाएंगे, जो इनके कार्य थे वो भी सुकुड़ना शुरू हो जाएंगे, संकुचित होना शुरू हो जाएंगे। समझना इसको थोड़ा कठिन है, जनन को अगर जनन समझ लिया तो इसमें फिर कुछ नहीं बचेगा। कुछ चीजें होती हैं, कुछ ही शब्द होते हैं जो परेशान करते हैं। ऐसे ही रज है, रज का मतलब होता है किसी चीज में प्रवृत्ति करना, कार्य में संलग्न कराना, कोई भी कार्य कराना, खुद भी होना, दूसरों को भी कराना, इन दोनों को कराना, ये कार्य होता है इसका। लेकिन जैसे ही ये प्रवृत्ति को संकुचित करेगा प्रलय अवस्था में, अपने आप को समेटेगा, कार्य से हटा करके अपने आप को संकुचित करेगा, नियंत्रित करेगा, तो साथ साथ प्रकाशक और नियमार्थक जो है सत्व और तमस, इनके गुणों में जो कार्य है उनको भी वो नियंत्रित करेगा, उनको भी संकुचित करेगा। यही जनन का कार्य है अर्थात यही जनन है, यही परिणाम है। परिणाम माने मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कुछ परिवर्तन करना। तो एक दूसरे को ये कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, लेकिन कब करते हैं, ये प्रलय अवस्था में ही करते हैं, इसको याद रखना है विशेष। मिथुन का मतलब होता है साथ साथ, ये हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। मैंने यहां पर भी आश्रय युक्त या साथ साथ, ये तीनों साथ साथ ही रहते हैं, ये अकेले नहीं रहते। तो ये बात इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन समझ गए आप तो एक बार में याद हो जाएगी, ना समझे तो ये फिर याद होती नहीं है, इसमें घुमाव है थोड़ा सा, मैंने प्रयास किया है। अब हम थोड़ा सा अगले से जो एक और है इसका उसको ले लेते हैं। सीमगला है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम चारजा। ये कायदे में इसका ये पूरक है श्लोक, मैंने ऊपर से ऐसे ही बता दिया है, इसके बाद ये समझ सकते हैं आप। चलो कोई बात नहीं, बात एक ही है, गुरु वर्ण कम गुरु वर्ण कम एव तमः सत्व लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः गुरु वर्णकम एव तमः प्रदीप वच्चा अर्थतो वृत्ति। अर्थात अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, सत्व लघु प्रकाशकम, यहां वर्णकम एव लगा हुआ है, तो हम यहां पर सभी जगह एव का प्रयोग भी कर सकते हैं। सत्व एव लघु प्रकाशकम, ऐसे ही रज एव चलम उपष्टम्भकम, तम एव वर्णकम गुरु वर्णकम, अर्थात सत्व ही। अब मैं यहां पर केवल सीधे सीधे लगाए दे रहा हूं, सत्व रज और तम, वहां पर
जो गुण की व्यवस्था की गई थी, इसमें कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई कि सत्व यह है, रजस यह है, तमस यह है। ठीक है, इसमें वही चीज बताइए, सत्व रजस तमस। अब सत्व क्या है, रजस क्या है, ऊपर पहले अब इसमें पूरी रूप से समझाया गया है। सत्व लघु प्रकाशकम, अब चल रजम चला और उपष्टंभकम, तम गुरु और वाणकम। समझ में आ रही होगी बातें, मैंने इनको अलग अलग कर लिया है, ये व्यवस्था है पूरी, आप समझ में आ जाएगी आपके। यानी कि सत्व लघु है, प्रकाशक है। ऊपर हमने जाना था प्रीति अप्रीति विषादात्म प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ का, ऐसे ही इसमें है सत्व, सत्व गुण जो है वो लघु हल्का है, लघु का मतलब हल्का है, प्रकाशवंत प्रकाशवान है, प्रकाश रूप है, हल्की चीज होती है वो प्रकाश युक्त होती है, और जैसे ही वो भारी होती चली जाती है वो अंधेर तक एक तरह से, प्रकाश का मतलब यहाँ हल्का या गर्म या ऊष्म से संबंध भी मान सकते हैं, जो चीज़ गर्म होती है ऊष्मा होती है प्रकाश युक्त होती है वो हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है। इसलिए सत्व प्रवृत्ति के लोग ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं, जितने भी साधु संन्यासी होते हैं या जो ऊर्ध्वरेता होते हैं उनके लिए सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है, उनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। रज जो होता है वो चल और उपष्टंभक होता है, चल का मतलब क्रियायुक्त होता है, ये कार्य कराने के प्रयोग किया जाता है, ऊपर भी बताया गया था इस बार को, प्रवृत्ति यानी कार्य कराने से संबंधित, तो चलायमान होता है रज होता है, क्रियायुक्त होता है और उपष्टंभकम होता है। उपष्टंभकम का मतलब क्या होता है, ये प्रेरणावान होता है, किसी को प्रेरित करना, उत्तेजित करना, आगे को प्रवृत्ति करना, लगाना, यहां पर जो बताया गया था प्रवृत्ति यानी कि प्रवृत्ति कराने वाला, लगाने वाला, तो खुद तो प्रवृत्त होता है दूसरों को भी प्रवृत्त करता है। तो ये सत्व और तम जो होते हैं वो एक तरह से न्यूट्रल मान लीजिए आप, ये कोई मतलब आलसी होते हैं एक तरह से, इनको कार्य में जो प्रवृत्त करता है, जो लगाता है, उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है, कुछ भी शब्द लगाइए वो रज ही है, उपष्टंभकम इसलिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तम जो होता है वो गुरु होता है, गुरु का मतलब भारी, और गुरुत्व गुरुता, इसी के कारण गुरुता आती है, पृथ्वी पर कोई भी चीज गिरती है, पानी अगर कोई भी पदार्थ गिराया जाता है तो उसको गुरुता बोला जाता है, गुरुता ही प्रयोग किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण जो प्रयोग किया गया वो अत्याधुनिक विज्ञान के द्वारा प्रयोग किया गया है। और वर्णकम होता है, वर्णकम का मतलब क्या होता है, आच्छादन करने वाला, आवरण करने वाला, ये आवृत कर देता है, इसलिए मोहात्मक बोला गया है इसको, यहां पर जो बोला गया है मोहात्मक, जब वो आवृत हो जाता है किसी चीज से, किसी के मोह में पड़ जाता है तो वो तामसिक प्रवृत्ति से संबंधित होता है उसका। तो सत्व रजस तमस ये तीन चार व्यवस्था है, एक तो इनमें इसकी व्यवस्था दे दी है पूरी सारी चीजों की, ऊपर और नीचे दोनों कारिकाएं जो दी हैं वो सत्व रजस तमस से संबंधित ही हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनके प्रयोजन क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, यदि इनको समझ गए आप तो दोनों कारिकाएं आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। फिर ये तीनों अलग अलग हैं, बताया है इसमें कि विरोधाभासी हैं एक दूसरे के, फिर ये कार्य कैसे करती हैं, तो इसमें बताया गया है प्रदीपवत च अर्थत्व प्रवृत्ति वृत्ति, इनके जो व्यवहार है प्रदीपवत मतलब दीपक, दीपक के समान है, अर्थ तो अर्थ से, कैसे, इसमें एक बत्ती होती है और तेल होता है और अग्नि होती है। ठीक है, अग्नि से तेल जल भी जाता है और बत्ती भी जल जाती है, अर्थात अग्नि और इनमें कोई भी समानता नहीं है, विरोधाभासी है, विरोध करती हैं एक दूसरे का, लेकिन फिर भी वो प्रकाशवान होती हैं, अर्थात तीनों को जब जोड़ करके प्रकाश किया जाता है, अर्थात उसमें जलाई जाती है अग्नि, तेल और बत्ती और अग्नि जब तीनों एक हो जाती हैं, एक हो करके, तो जो कुछ उनके
इर्द गिर्द दिखाई देने वाले पदार्थ हैं उनको वो प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे ही ये तीनों प्रवृत्तियां जो हैं सत्व रजस तमस वो प्रदीपवत कार्य करती हैं, अर्थात तीनों युक्त होकर के अन्य चीजों को प्रकाशित करने का भी काम करती हैं। तो इसमें हमने गुणों के बारे में और लक्षण के बारे में और कार्य के बारे में जाना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर आप इसमें और देखना चाहें तो पुस्तक के माध्यम से देख सकते हैं, वैसे मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया है। आशा करूंगा आपको ये लाभ अवश्य देगी, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर ढंग से 102 बार देख लिया तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।